स्प्रिंग वैली लेकर आए हैं फुल मस्ती और एडवेंचर से भरा फैमिली टूर प्लान। सस्ती मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह योजना समारोह उस वक्त राजनीति का अखाड़ा बन गई जब विधायक नीलेश उइके ने भाजपा से सवाल पूछ लिया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22,000 घोषणाएं की है वह कब पूरी होगी। यह सुनते ही मंच के नीचे बैठे जनपद सदस्य जोगीलाल कुमरे उत्तम झा ने मंच पर चढ़कर विधायक का विरोध किया। इस दौरान भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर विरोध का दौर शुरू हुआ। हमारे किसान भाइयों के 70% किसानों का कर्जा माफ प्रधानमंत्री ने किया है। घोषणाएं बहुत होती है, घोषणाएं बहुत होती है, घोषणाएं जब धरती पे आ जाएगी उस दिन हम मानेंगे। बहुत सारी घोषणाएं 22,000 घोषणाएं मध्य प्रदेश में हुई है, ये घोषणाएं पूरी होगी कब ये बोलना चाहता हूँ मैं। ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, आज का इस राजनीतिक मंच नहीं है, सामूहिक का सम्मेलन की बात इस दौरान थोड़ी देर के लिए भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। बाद में पुलिस और प्रशासन और कुछ समन्वयक बने नेताओं के समझाने पर मामला शांत हुआ। इस हो हल्ले और पूरे घटनाक्रम के बाद में 219 जोड़ों का विवाह समारोह कृषि उपज मंडी प्रांगण में संपन्न हुआ। इससे पहले नगर पालिका के पार्षद और नगर कांग्रेस कमेटी और नगर मंडल भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की उपस्थिति में बारात निकली। धूमधाम के साथ भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के पार्षदों ने नाचते हुए बारात लेकर कृषि उपज मंडी में पहुंचे, जहां पर विधायक सहित जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस विवाह समारोह में 219 जोड़ों का धूमधाम और रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक नीलेश उइके ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार ने किसानों के कर्ज माफी के साथ ही विवाह योजना की राशि बढ़ाकर 56,000 रुपए कर दी है। कमलनाथ सरकार ने 15 महीनों में इतने काम किए, मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपने जो 22,000 घोषणाएं की है वह कब पूरी करोगे। 100 रुपए में हाफ किया, ये आप सब जानते हैं। खोलने की आवश्यकता नहीं है, हमारे किसान भाइयों के 70% किसानों का कर्जा माफ प्रधानमंत्री ने किया है। घोषणाएं बहुत होती है, घोषणाएं बहुत होती है, घोषणाएं जब धरती पे आ जाएगी उस दिन हम मानेंगे। बहुत सारी घोषणाएं 22,000 घोषणाएं मध्य प्रदेश में हुई है, ये घोषणाएं पूरी होगी कब ये बोलना चाहता हूँ। इससे पहले भाजपा की प्रदेश महिला मोर्चा कार्य समिति की सदस्य वैशाली महाले ने प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान अपने गांव जैत में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया करते थे, वहां से उन्होंने पूरे प्रदेश में यह योजना लागू की। मैं बताऊंगी कि ये कन्या विवाह तो आप देखने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने अपने गाँव में जैत नाम उनके गाँव का है वहाँ पर अपनी ओर से सबसे पहले कन्या विवाह शुरू किया था और उसके बाद में उन्होंने संकल्प लिया था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो पूरे प्रदेश में इस प्रकार का सामूहिक विवाह का आयोजन मैं कराऊंगा। इस कार्यक्रम में नगरपालिका के अध्यक्ष संदीप घाटोड़े, उपाध्यक्ष ताहिर पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष भीमराव वालके, नगर मंडल के अध्यक्ष विष्णु लेंडे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वास कांबे, नगर कांग्रेस अध्यक्ष जयंत घोड़े, जिला पंचायत सदस्य सुनंदा डोंगरे, ललिता कुमरे, पूर्व विधायक जतन उइके और अन्य अतिथि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बड़ी संख्या में पहुंचे अतिथियों का सीईओ ललित चौधरी ने आभार माना।